Hello everyone, welcome to my English class. So, in today's class, we are going to discuss textual and additional question answers of the chapter Footprints Without Feet, written by H.G. Wells. The full name is Herbert George Wells. So, students, one more thing I want to share with you here that uh, this chapter फुट प्रिंट्स विदाउट फीट इज़ टेकन फ्रॉम एच जी वेल्स नॉवल एच जी वेल्स का एक नॉवल है द इनविजिबल मैन तो ये जो है फुट प्रिंट्स विदाउट फीट ये उसका एक एपिसोड है ये वहाँ से एग्जर्प्ट है मीन्स वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके आपके चैप आपकी बुक में इंक्लूड किया है आपकी जो सप्लीमेंट्री रीडर है फुट प्रिंट्स विदाउट फीट उस में एच जी वेल्स का नॉवल इन विजिबल मैन so let's start with question number 1 here how did the invisible man first became, uh, become visible So, sabse pehle kab visible hua invisible man the invisible man you know very well his name was griffin first became visible after he slipped into a big london store for keeping warm and overslept there while wearing some cloths taken from the स्टोर सो गायस फर्स्ट ऑफ ऑल वो विजिबल कब हुआ था एक्चुअली ये जो टाइम था ये uh, मिड टाइम था मार्च का टाइम था और मिड विंटर्स यू कैन से वो टाइम था एंड उस टाइम कोल्ड काफ़ी था ठंडक बहुत ज़्यादा थी एंड व्हेन ही वेंट टू अ लंडन स्टोर जब वो लंडन स्टोर के अंदर एंटर हुआ तो उसको क्या करना था अपने आप को वार्म करना था क्योंकि वो इनविजिबल तभी हो सकता था जब वो विदाउट क्लॉथ्स हो नेकेड मीन्स यू कैन से विदाउट क्लॉथ्स

टू स्केप फ्रॉम देम हीड टू शेड ऑल हिज क्लॉथ क्लॉथ गिराने पड़े हटाने पड़े टू बिकम इन विजिबल अगेन टाइम इनिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल क्योंकि उसने कपड़े पहन लिए एंड कपड़े पहनते ही वो क्या हुआ विजिबल हो गया लेट सी क्वेश्चन नंबर टू वाई वॉज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट वो स्ट्रीट में क्यों घूमता रहता था

मतलब कानून को ताक पे रख के वो जो भी काम करता था इलीगल वर्कस यू कैन से हिज लैंड लॉर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो वॉट हैपन उसकी जो लैंड लॉर्ड थी uh, जब वो पहले जब वो स्टूडेंट था जब वो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था उस टाइम फर्स्ट टाइम जब उसकी लैंड उसको बहुत डिसलाइक लैंडलॉर्ड उसको बहुत डिसलाइक करते थे एंड वांटेड टू इविक्ट ग्रिफिन एंड उसको इविक्ट इविक्ट मतलब यू कैन से एक्सपेल फ्रॉम प्रॉपर्टी उसको अपने मकान से निकालना चाहते थे एंड इन रिवेंज बदला लेने के लिए उसने क्या किया जब लैंडलॉर्ड ने उसको मकान से निकालने को बोला निकल निकल जाने को बोला ही सेट फायर टू द हाउस उसने उस घर को आग लगा दी थी टू एस्केप ही रिमूव्ड हिज क्लॉथ्स और वहाँ से भागने के लिए उसने क्या किया अपने सारे क्लॉथ्स रिमूव कर दिए एंड बिकमिंग इनविजिबल ताकि उसको कोई देख ना सके दस ही बिकम होमलेस इस तरह से वो क्या हुआ होमलेस हो गया एंड लंदन की स्ट्रीट्स में इधर उधर घूमने लगा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट इसेंट्र उसको क्यों लगा कि ये जो साइंटिस्ट है ये बहुत ज़्यादा सन की है एक्चुअली मिसेस हॉल फाउंड द साइंटिस्ट इसेंट्रिक बिकॉज हिज स्ट्रेंज अपियरेंस क्योंकि उसका जो अपियरेंस था वो दिखता कैसा था बहुत स्ट्रेंज वो मिसेस हॉल की जो इन थी इन यानी धर्मशाला आप समझते हैं ना आई एन एन तो इन में क्यों आया था एक्चुअली वो आया इसलिए था कि अगर वो लंदन की स्ट्रीट्स में घूमेगा तो लंदन की स्ट्रीट्स कैसी हैं ओवर क्राउडिड वहाँ पर वो पकड़ा भी जा सकता है दैट्स वाई टू स्केप फ्रॉम देयर वो आइपिंग जो जगह थी छोटी सी जगह तो उस विलेज में चला गया एंड वहाँ पर मिसिज हॉल्स की जो इन थी इन मतलब धर्मशाला वहाँ वो चला गया एंड मिसेस हॉल उसको इसेंट्रिक इसलिए कहती थी क्योंकि उसका अपियरेंस अब वो अगर इनविजिबल होगा तो कोई उसको जगह नहीं मिल सकती रहने के लिए इसलिए उसने अपने आप को विजिबल करने के लिए क्या किया पूरी बॉडी पे क्लॉथ्स पहने ताकि उन क्लॉथ्स के थ्रू वो विजिबल हो सके एंड अब क्लॉथ्स जो है इन द प्रीवियस वीडियो आल्सो आई टोल्ड यू अब वो क्लॉथ्स कहाँ पहनेगा क्लॉथ्स वो अपनी पूरी बॉडी पे पहनेगा सो हेयर इज द बॉडी वो बॉडी पे उसने सपोज क्लॉथ्स पहन भी लिए सपोज तो इतना इतना पोर्शन उसका विजिबल हुआ ओके okay गाइस ये पोर्शन उसका विजिबल है अब जो ये पोर्शन है दिस इज इनविजिबल अब इसको कवर करने के लिए मींस जो फेस का जो पोर्शन था उसका उसको विजिबल करने के लिए उसने क्या किया थिएट्रिकल कंपनी से एक फॉल्स नोज ले ली यहां नोज लगा ली यहां पे तो आइज आइस तो लगा नहीं सकते तो उसने क्या किया इस पूरे पार्ट को कवर कर लिया किससे बैंडेज से तो ऐसा देख के क्या हुआ मिसेस हॉल जो थी उन्होंने कहा दस पर्सन इज इस है ओके व्हेन ही ट्राइड टू बी फ्रेंडली विद हिम जब मिसेस हॉल ने सोचा कि इसके साथ फ्रेंडली हुआ जाए मींस इसके साथ क्या ऐसी प्रॉब्लम है आई मस्ट शेयर मुझे वो शेयर करनी चाहिए ही रिबफ्ड हर मीन्स उसको एक अनकॉन्शियस मैनर मेंस मैनर से किसी को अस्वीकार कर देना यू कैन से उन्होंने उसकी फ्रेंडशिप को अस्वीकार कर दिया बाय सेइंग क्या कहा उसको ही हैड कम देयर फॉर सॉलिट्यूड वो वहां पे क्यों आया है सोलिट्यूड के लिए यानी शांति के लिए वो वहाँ पे आया है एंड डिड नॉट विश टू बी डिस्टर्बड इन हिज वर्क और वो चाहता है कि उसके काम में कोई भी उसको डिस्टर्ब ना करे अब ऐसा भी उसने क्यों बोला यू you नो know, आपको पता है ऐसा उसने क्यों बोला क्योंकि उसके रूम्स में बहुत सारी बॉटल्स थी बहुत सारे ऐसे फ्लास्क थे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें वो हर टाइम एक्सपेरिमेंट करता था कि इनविजिबल तो वो हो गया है लेकिन अब इनविजिबिलिटी से विजिबिलिटी में आने का क्या फॉर्मूला है जिससे बार बार उसको वो सारी चीजें रिमूव ना करनी पड़े वो ना करना पड़े जब वो चाहे वो विजिबल हो जाए जब वो चाहे वो इनविजिबल हो जाए ओके तो इन सबको करने के लिए उसको क्या चाहिए था सॉलिट्यूड चाहिए था एंड सम कभी वो मींस कभी वो नेकेड हो और कोई एंटर कर जाए और कोई चीज़ वो उठा रहा हो तो वो चीज़ें क्या वो चीज़ें हवा में घूमती हुई नज़र आएंगी तो वो वो चाहता था कि कोई भी उसको डिस्टर्ब ना करे अपने वर्क में एंड इन उसके इस बिहेवियर की वजह से उसके अनफ्रेंडली बिहेवियर की वजह से मिसेस हॉल्स ने उसको क्या बोला कि ये क्या है ये जो साइंटिस्ट है वो इसेंट्रिक है

क्लर्जी मैन जो था यानी कि चर्च मैन उनके घर पे क्या हुआ वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बहुत अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह के टाइम क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर बाय अवेकॉइस उनको कुछ शोर सुनाई दिया और वो कहाँ पे उनके स्टडी रूम में एंड उनको क्या नॉइज सुनाई दिया किसका साउंड ऑफ कॉइंस कॉइंस डेस्क में जो कॉइंस थे उनकी जिंगलिंग सुनाई दे रही थी उनकी खनखनाहट सुनाई दे रही थी बट टू दरप्राइजर स्टडी रूम उनको क्या नजर आया केवल उनको सुनाई दी पैसों की खनखनाहट बट नो बडी तो यह क्या था क्यूरियस एपिसोड था क्यूरियस क्यों क्योंकि मनी ड्रॉर जो थी दैट वॉज एम टी और पैसों की खनखनाहट सुनाई दी कि कि किसी ने पैसे वहां से लिए हैं बट नो बडी वॉज देर इसलिए यह एपिसोड क्या था क्यूरियस नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स है इन अब क्या और ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें थी जो इन में हुई इन यानी धामशाला एट द इन मिसिज हॉल एंड हजब साइंटिस्ट रूम ऑन फाइंडिंग इट्स डोर ओपन एक्चुअली क्या हुआ मिसेस हॉल एंड मिस्टर हॉल्स यानी कि जो हॉल्स फैमिली थी वो दोनों हस्बैंड वाइफ वेंट इनटू द साइंटिस्ट रूम ये देखने के लिए कि आज साइंटिस्ट का रूम ओपन कैसे है एक्चुअली हर टाइम उसका रूम जो था वो बंद रहता था सो दैट नोबडी कुड डिस्टर्ब हिम हाउएवर ही वाज नॉट सीन इन द रूम फिर भी रूम में क्या हुआ कोई भी दिखाई नहीं दिया नोबडी वाज देयर इन द रूम बट मिसेस हॉल्स हर्ड अ स्निफ मिसेस हॉल को क्या सुनाई दिया उन्होंने कुछ इनहेल किया कुछ उन्होंने सूंगा, स्निफ मतलब कुछ सूंगना, कुछ मतलब कुछ कुछ करना सो so, सपोज हम अपने रूम में है लेकिन हमको किचन से किस चीज की स्मेल आती है कुछ जल रहा है कुछ बन रहा है किसी चीज की खुशबू सो समथिंग उसने इनहेल किया कुछ सूंगा क्या था एंड द हैट ऑन बेड पोस्ट लिफ्ट अप और क्या था बेड पोस्ट बेड पोस्ट क्या होता है स्टूडेंट जैसे आप बेड के चार पाए होते हैं नीचे की तरफ वैसे ही बेड के ऊपर चार सपोर्ट्स uh, होते हैं किस चीज के लिए जैसे मच्छरदानी वगैरह लगाने के लिए यूज में किया जाता है ऐसे ही तो उसके चार वो जो पाए यू कैन से बिस्तर के पाए एनी ऑफ द फोर अपराइट है ना सपोर्ट ऑफ द बेड यू कैन से तो वो वहां पे क्या था वहां से कैप जो थी वो उड़ के आई क्योंकि वो पर्सन जो था वो तो वहीं पे प्रेजेंट था एंड ही वाज नॉट वेयरिंग एनीथिंग उसने कुछ पहना नहीं हुआ था तो उसकी जो वो जब हैट उठा रहा होगा तो वो हैट ऐसे लग रही थी कि वो हवा में झूल रही है एंड डैशड इनटू हर फेस और वो कैप उसके फेस पे आके यूं लगी देन द बेडरूम चेयर sprang into the air और उसके बाद जब सॉरी <coughs> जो पर्सन था कौन ग्रिफिन उसने क्या किया जैसे ही चेयर को उठाया तो वो चेयर ऐसे लग रही थी कि वो हवा में एक जगह से दूसरी जगह जा रही है एंड पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम तो उसके बाद क्या हुआ चेयर के धक्के से वो दोनों हस्बैंड वाइफ रूम से बाहर आ गए एकदम से तो क्या लगा उसको मिसेस हॉल्स को लगा कि ये जो मेरा फर्नीचर है ये क्या है हॉन्टेड फर्नीचर है तो हॉन्टेड ना उनको क्या लगा वहां पे बहुत फील हुआ और उन्होंने सोचा कि इस इन्विजिबल ने, इन्विजिबल ग्रिफिन ने ऐसा क्या कर दिया इस साइंटिस्ट ने कि मेरा जो फर्नीचर है वो भी हॉन्टेड हो गया तो ये सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स कहाँ पे हुई इन में ओके क्या था फर्नीचर हवा में झूल रहा था उसने कोई किसी किसी को सूंघा अपने पास से उसको कोई जाता हुआ नजर आया नजर आया मतलब फील हुआ उसको किसको मिसेस हॉल्स को कि उसके पास से कोई गुजरा फिर वो हैट नजर आई हवा में झूलती हुई उसके बाद वो फर्नीचर मतलब जो चेयर थी वो हवा में झूलती हुई नजर आई तो ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स उसको फील हुई नेक्स्ट सम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आल्सो आई हैव एडेड हियर फॉर योर

इनविजिबल मैन इनविजिबल मैन ने कुछ पहना नहीं हुआ था ही वॉज इनविजिबल लेकिन जब उसके पाँव जो थे उसके जो फीट थे वो किस में पड़े मड में पड़े तो मड में पड़ने के बाद जब वो स्टेयर्स पे जा रहा था तो स्टेयर्स पे उसके पाँव से क्या इम्प्रेशन बनते हुए जा रहे थे इम्प्रेशन मतलब पाँव के प्रिंट्स बन रहे थे फुट प्रिंट्स बनते हुए जा रहे थे अब फुट तो विजिबल थे उसके फीट नजर नहीं आ रहे थे लेकिन फुटप्रिंट्स तो नजर आ रहे थे उन बॉयज़ को तो इस चीज को देख के दे गॉट एंड अट्रैक्टेड द साइट जो उन्होंने देखी उसके बाद एज दे लुकड अ फ्रेश फुटप्रिंट अपियर फ्रॉम नोवेयर इसलिए वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए थे कि कहाँ से बन रहे हैं ये कोई मैन तो वहां पे है ही नहीं एंड ये फुटप्रिंट कहाँ से बन रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाई डिड ग्रिफिन टू स्लिप इन टू अग लंडन स्टोर वो लंडन स्टोर में क्यों गया था ग्रिफिन बिग लंडन स्टोर बिकॉज द सीजन वॉज मिड विंटर विंटर का मिड टाइम था ड्यू टू विच इट बिकेम डिफिकल्ट टू वराउंड क्लॉथ्स इन लंडन एंड इस टाइम इतनी ठंड थी कि बिना क्लॉथ्स के घूमना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था दैट्स वाई ही बिग लंडन स्टोर इसलिए वो उस स्टोर में गया ताकि वो कुछ अपने आप को वॉर्म करने के लिए कुछ कपड़े वगैरह कुछ वहाँ से ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ वॉज ग्रिफिन अ लॉलेस मैन हम कैसे कह सकते हैं कि वो एक ऐसा इंसान था जो कि लॉलेस था लॉलेस लेस मीन्स गाइज लॉ यानी कि कानून मतलब कानून को ना मानने वाला यू कैन से अब अगर देखा जाए तो ही कुड बी अ लॉफुल फेलो वो हो सकता था वो जो उसने एक्सपेरिमेंट किया विजिबिलिटी से इनविजिबिलिटी का उसको यूज़ कर सकता था बहुत अच्छे लॉफुल वर्क्स में बट ही डेंट डू सो ही वर्क जो भी उसने काम किए वो क्या थे सारे एंटी सोशल डीड्स एंटी सोशल मीन्स हमारे सामाजिक जो भी काम होते हैं उसके खिलाफ उसने जो भी किया हाउ भी भी फील नहीं की दोषी अपने आप को नहीं माना he to his landlord's house. सबसे पहले first work he did. उसने अपने लैंडलॉर्ड का जो हाउस था उसको जलाया वहां से ही ही स्टोल फूड स्टफ्स एंड क्लॉथ्स फ्रॉम लंडन स्टोर लंडन स्टोर से उन्होंने बहुत सारे क्लॉथ्स चुराए खूब सारा खाना चुराया देन थिएट्रिकल कंपनी से उसने क्या चुराया उसने मनी भी चुराया एंड क्लर्जी मैन जो था उसके हाउस uh, से स्टडी से उसने बहुत सारे बहुत सारा मनी चुराया uh, किस लिए अपने हाउस रेंट को पे करने के लिए थिएट्रिकल कंपनी से उसने फॉल्स नोज ली थी विस्कर्स लिए थे तो ऑल दीज थिंग्स तो इन सारी चीज़ों से वी कैन से दैट ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस मैन जिसमें कानून नाम की कोई चीज़ नहीं थी

कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट एनी क्लॉथ्स बट ऑल्सो समथिंग लाइक साइड विस्कर्स साइड विस्कर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स जैसे अपने कान के साइड पे जब हम अपने बाल ओपन रखते हैं तो बाल क्या करते हैं हमारे कानों के ऊपर आ जाते हैं ताकि वो हैट लगाए और उसके आधा फेस उसका उन बालों से ढक जाए तो साइड विस्कर्स उसके बाद ही वांटेड सम ग्लासेस फॉल्स नोज बैंडेज ताकि अपने फॉल्स नोज लगा के बैंडेज से पूरा फ़ेस कवर करे और फेस भी नज़र आना शुरू हो जाए और एक हैट तो दीज थिंग्स उस के लिए वो वहाँ पे थिएट्रिकल कंपनी में गया दैट वुड हाइड द एम टी स्पेस अबाउट अबाउ हिज शोल्डर्स ताकि अपने शोल्डर्स के ऊपर का स्पेस जो क्या नजर आता था एम टी नज़र आता था वो उसको कवर करना चाहता था सो नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डिड ग्रिफिन फाइंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन अचिल जेन्य एयर फॉर द सेकेंड टाइम तो ग्रिफिन ने अपने आप को इनविजिबल क्यों किया जबकि इतना ठंडा मौसम था जनवरी का सेकेंड टाइम कैसे किया मीन्स सो एज ही हैड ओवर स्लेप्ड इन द बिग लंडन स्टोर जब वो लंडन स्टोर में पहुँच गया था एंड मॉर्निंग में स्टोर जल्दी ओपन हुआ एंड उसके असिस्टेंट्स केम इन एंड वेन दे केम इन दे फाउंड ग्रिफिन इनसाइड बट

हॉल्स सी इन द साइंटिस्ट रूम नाउ हेयर आईव रिटन दर्ड हॉल्स एक्चुअली दिस वर्ड हॉल्स इज यूज फॉर टू पीपल मिस्टर एंड मिसिज हॉल जब हम किसी मतलब पूरी फैमिली के लोगों के बारे में बात करते हैं यू कैन से उस दंपति के बारे में बात करते हैं सपोज हस्बैंड वाइफ दो हैं मिस्टर मेहता एंड मिसेस मेहता तो हम क्या कह सकते हैं वी आर गोइंग टू मेहताज हम मेहताज के वहाँ पे जा रहे हैं द सेम मैनर यहाँ पे हॉल्स एच ए एल एल एस किसको रिप्रेजेंट करता है मिस्टर हॉल एंड मिसिज हॉल तो हॉल्स जो दंपति थे हस्बैंड वाइफ थे उन्होंने साइंटिस्ट के रूम में क्या देखा एज द डोर ऑफ द रूम वॉज ओपन रूम ओपन था उस दिन अदरवाइज नॉर्मल डेज में कभी ओपन रहता नहीं था एंड नोबडी अपियर टू बी इन साइड और अंदर कोई दिख भी नहीं रहा था द हॉल सेंटर द साइंटिस्ट रूम साइंटिस्ट के रूम में हॉल जो हस्बैंड वाइफ थे दे एंटर्ड सॉ दैट द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड यानी कि बेड पे जो कपड़े पड़े हैं वो क्या है? है, हैं कोल्ड हैं बहुत ठंडे हैं क्लॉथ्स पड़े हैं वो बहुत ठंडे थे द क्लॉथ्स एंड बैंडेज दैट ही ऑलवेज वॉर वर लाइंग अबाउट द रूम और वो सारी चीजें क्या थी बेड पे पड़ी थी जो कि मोस्टली वो पहने रहता था ग्रिफिन वो सारी चीजें वहां पे पड़ी थी इसलिए उनको लगा कि ये क्या है ये देखा उन्होंने साइंटिस्ट के रूम में नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ द विजिबल मैन बिकम विजिबल तो इनविजिबल मैन जो था हाउ डिड द विजिबल मैन जब वो विजिबल था उससे वो इनविजिबल कैसे हुआ वॉट डिड ही डू देन फिर उसने किया क्या सो द इनिबल फॉरिंग एंड एक्सप्लेनेशन फॉर दिस्टीरियसिंग वॉज वियरिंग ऑन हिज हेड सो दैट ही बिकेम मैन विदाउट अड एक्चुअली हुआ क्या था ये एपिसोड वो है इनविजिबल जब मिसिज हॉल उससे क्वेरी कर रही थी इनविजिबल मैन से किस चीज़ के लिए कि क्या मिस्टीरियस थिंग्स मेरे रूम में हो रही थी चेयर्स प्रैंग होके इधर से उधर जा रही थी मेरा जो फर्नीचर है वो भी हॉन्टेड है तुमने क्या कर दिया मेरे रूम में व्हेन दिस वाज हैपनिंग तो इन सारी चीज़ों से जो इनविजिबल मैन था ही गॉट एंग्री एंड उसने क्या किया मिसेस हॉल्स को डराने के लिए उसने अपने सारे जो कपड़े पहने हुए थे ही रिमूव्ड ऑल हिज अपने कपड़े उतार दिए अरिंग ऑन हिज हेड सो दैट ही बिकेम मैन विदाउट हेड ओके उसने क्या किया उसने अपने फेस पे जो भी वो कवर करता था बैंडेज विस्कर और जो भी नोज उसने फॉल्स नोज लगा रखी थी वो सारी उसने रिमूव कर दी ताकि मिसेस हॉल्स डर सके एंड एक हेडलेस अपन किसी को देखें कि शोल्डर तक तो वो पर्सन दिख रहा है एंड शोल्डर से ऊपर कुछ भी नहीं है तो ये सब देख के मिसेस हॉल्स डर जाएगी इसलिए उसने क्या किया वो अपना ऊपर का जो फॉल्स अपियरेंस वो लगाता था, था बैंडेज एंड फॉल्स नोज वो सब उसने हटा दिया ताकि एक हेडलेस फेलो को देख के मिसिज

बट बिफोर दैट वॉट डिड ही डू ही घायल कर दिया उसको unconscious कर दिया वो से भाग गया इनविजिबल मैन टू कैच द इनविजिबल साइंटिस्ट साइंटिस्ट को पकड़ने से पहले क्या हुआ था एपिसोड वहां पे एंड जेफर्स जब उसको पकड़ने की ट्राई कर रहा था तो क्या हुआ उस टाइम व्हेन कॉन्स्टेबल जेफर्स ट्राइड टू कैच ग्रिफिन ही बिकेम इनविजिबल बाय रिमूविंग हिज क्लॉथ्स तो वहाँ से इनविजिबल मैन जो था अपने क्लॉथ्स रिमूव करके भाग गया जेफर्स फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन हु कुडंट बी सीन एंड दिस वाज द प्रॉब्लम विद जेफर्स की जेफर को वो पर्सन का पता नहीं था कि उसको अरेस्ट ऐसे पर्सन को करना है जो कि इनविजिबल है जो कि दिखता ही नहीं है

कौन सी मिस्ट्री के बारे में यहाँ पे बात हुई है सो द टू बॉयज फॉलोड मडी फुट प्रिंट्स बींग मेड फ्रेश विदाउट सींग एनी मेकिंग द प्रिंट्स विच वॉज अ मिस्ट्री फॉर देम अब क्या मिस्ट्री थी कि टू बॉयज थे लंडन में जब इनविजिबल मैन मड में होकर के आया और वो स्टेयर्स पे जा रहा था तो उसके फुटप्रिंट्स की इमेज जो थी वो कहाँ पे बन रही थी उन स्टेयर्स पे बन रही थी एंड उन प्रिंट्स को देख के जो दो बॉयज थे दे गॉट सरप्राइज्ड एंड

Actually, they got confused बहुत ज़्यादा क्यों confused हो गए थे थे वो 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 हुआ क्या क्या था कि उन्होंने वो footprints देखे और वो footprints किसके थे? उस person के जिसने क्या है Human body को ट्रांसपेरेंट कर दिया है सो दैट नो बडी गुड सी हिम एंड दस इनविजिबल बायोइंग सर्टेन डब्स और उसने क्या किया अपने आप को किसने साइंटिस्ट ने अपनी बॉडी को ट्रांसपेरेंट कर दिया एंड इस तरह से वो क्या बन गया इनविजिबल क्या लेके स्वेलोइंग सर्टेन ड्रग्स कुछ दवाइयाँ लेकर के उसने अपनी बॉडी को क्या बना दिया इनविजिबल एंड ड्यू टू दैट द ह्यूमन बॉडी गॉट ट्रांसपेरेंट एंड दिस वॉज द मिस्ट्री फॉर दोज टू बॉयज ऑफ लंडन सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स से कनेक्टेड कीप वॉचिंग थैंक यू